बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ क्लास के जो पहलन बहस के लिए स्टॉमिक पाउडर का उन्होंने वो बताया, लेकिन साथ ही उनका ये फरमाना था कि डॉक्टर साहब ज्यादा सबक चारा नहीं दे रहा, नहीं वो पतला। बल्कि हाँ जो खुशकबूस है ना, वो नहीं, एक मिनट, डॉक्टर साहब फिर इसको जो अभी ताजी ताजी शुरू नहीं ये करते हैं तो हो साथ गया ही, है। अब ये उन्होंने और कितना दे रोज बाकायदा एक का कहा थोड़ा सा कि ना, ये लूज गोबर थोड़ा गोबर, सा पतला कर रही है, तो गोबर थोड़ा सा पतला कर रही है। ये भी बता दें कि इसकी डिवर्मिंग भी कर लें या ना करें। ये जो स्टमक पाउडर है ये जिसको तो हो गया मसाला आप इसका। कह रहे हैं, अब वो तो खैर कर दिया। ये हफ्ते में 2 दफा देना होता है, एक क्रिकेट के बॉल के बराबर, मैं नहीं हो, वो उतना जब सा पतला है ना, गोबर मैं अब यही ये लिया बहुत करें लंबी आप, चौड़ी है लिया इनके करें साथ हफ्ते में मैंने 2 दफा, तो किया है हाजमा कि ठीक रहता है, और ताजा सुई हो या सोने वाली हो, ये हर जानवर के लिए फायदे वाली चीज है स्टमक पाउडर। बाकी आपका जो उसका अगर पतला जी। गोबर पतला होता है हाँ वो देख लें, उसको सारा सब्ज चारा ही तो नहीं ज्यादा दे रहे, उसको थोड़ा सा भूसा भी मिला के दें। डॉक्टर साहब ज्यादा सबज चारा नहीं दे रहा, बल्कि जो खुशकबूस है ना, तो वो दे रहे हैं, वो और ज्यादा दे पराली रहा भी हूँ, का और सबज चारा मैं कम दे रहा हूँ ठीक पहले है, से ही, तो वेरी गुड। जो भूसा है वो मैं पराली का कुतरा दे रहा हूँ, यानी हाँ कि उसको चॉप करके, तो वो मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो सूखी है, बिल्कुल साफ है, तो पराली उसके सूखी ऊपर हुई। कोई बारिश वगैरह कोई नमी नहीं है, क्योंकि मैं उसको महफूज किया हुआ है, बिल्कुल सूखी हुई है, तो ठीक वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसका गोबर जो है ना वो बहुत पतला है। एक डायरो बान के साशे लिए हैं, 6 साशे ले आए डायरो बान, 12 12 ये मैंने ग्राम का इनको होता है, और बताया। सस्ते से हाँ मिल जाते हैं, हाँ 6 साशे वो ले आए, और 6 पैकेटी ओआरएस के ओ आर लिए एस के लिए या नमकोल के, वो आप 1 लीटर पानी में, 1.5 लीटर, 1 लीटर पानी में घोल के वो इसको पिला दें, एक दिन पिलाएं, दूसरे दिन फिर पिला दें, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। जी डॉक्टर साहब ठीक है, मैं आपके ये ट्रीटमेंट सुबह से ही शुरू करता हूँ, और दूसरी बात मुझे ये बता दें कि जो दूध देने वाले जो भैंस है उसको जो है ना बाईपास जो ये हाँ कहते हैं ये फैट, नया नया जो ये तो नया ये को क्या चीज है नया ये नया फैट के ये बारे नया में, कि है, ये देना चाहिए इसका इसमें, मैं इसके अभी साथ मिनरल और जो है ना वो प्रोटीन वगैरह वो कंप्लीट होती हैं, और दूध भी बढ़ा मेरी देती हैं, जान ये अभी बाईपास आपका फैट, ये ले ये लेता हूँ, काइंडली मुझे बता दें। आप इसको ये ले लेता हूँ बाद हफ्ते में, में 2 दफा, सर्दियां ये हैं, लेता हूँ प्लीज। अब ये नया है चूंकि टॉपिक नया है ना बाईपास वाला, ये लोगों की और भी मैसेजेस आते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि बताना नया। लेकिन अभी जो गोबर पतला है, थोड़ा पतला है, वो डायरोबान से ही हो जाएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया खुदा ना खास्ता तो फिर एंड्रोफ्लाक्सासीन के इंजेक्शन लगाएंगे। एंड्रोफ्लॉक्सासीन के 25 cc का लगेगा इसको। ये समझ लें कि एंड्रोफ्लॉक्सासीन का लगा के इंजेक्शन 2 दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला, और साथ डायरोबान के साशे देंगे तो बिल्कुल ये नॉर्मल इसका गोबर होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये अब रहा के प्रोग्राम का इख्तिताम, एज यूजुअल हदीस मुबारक पर। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे यहाँ तक कि आपके पाए मुबारक में वर्म आ जाता, वो फूल जाते, तो आपसे इस सिलसिला में अर्ज किया जाता, मगर आप फरमाते, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। फी मान ला।